भगवत गीता ये भी तो कहती है कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, तो कौन करेगा? वो आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड मिलकर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव और मैं प्रेजेंट करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल आवर ब्रेन आवर लाइफ को। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी आपस में जुड़े हुए हैं और मैं एस्ट्रोलॉजी में आचार्य भी हूं, तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो ये सीखना चाहते हैं। बच्चे बार बार कह रहे थे कि मेरे को एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो सर आपका कोई भी नहीं है वॉल पे, तो उसी के लिए वीडियो बनाया है। या जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं वो भी इसको समझ सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है। तो एस्ट्रोलॉजी साइंस है या एस्ट्रोलॉजी एक मिथ है, पहले तो ये हम समझने की जरूरत है हमें। तो बहुत सारे लोग समझते हैं ये एक मिथ है, तो मिथ है नहीं पर ये बना दिया गया है। अब आप कहेंगे कैसे बना दिया है? इसका बड़ा आसान सा एग्जांपल देता हूं मैं कि कैसे बना दिया है। हर एक बिजनेस को करने के लिए, हर एक प्रोफेशन को जाने के लिए उसमें एक एंट्री कॉस्ट होती है। इवन आप शेयर मार्केट में जाएंगे उसमें भी एक एंट्री कॉस्ट है। तो किसी भी बिजनेस या किसी प्रोफेशन में जाने के लिए आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन में अगर आपको जाना है तो आपको कॉस्ट जो है आपकी बहुत ही मिनिमल है। मिनिमम मतलब ये एक पंचांग है, एस्ट्रोलॉजर के पास यूजली आपको मिलेगा, ये मार्तंड पंचांग है और ये लगभग कॉस्टलीस्ट पंचांगों में से आता है। इसकी कॉस्ट लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप ये देख पा रहे हैं तो 117 रुपए है सिर्फ। अदरवाइज पंचांग कितने के आते हैं? 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। तो ये आपकी प्रोफेशन में जाने की कॉस्ट है। और तीन चीजें जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ऐसी तीन चीजें आप अगर याद कर लेंगे तो आज से आप एस्ट्रोलॉजर हैं बिना पढ़े हुए। क्या? पहली चीज, आपके घर में किसी एक आदमी को गुस्सा ज्यादा आता है, 100% है, ये हो ही नहीं सकता कि ना था। मान लो सारे लोग काम हो, उनमें से कोई एक थोड़ा सा कम काम होगा वो गुस्से वाला गिना जाएगा उस घर में। ये एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे वो बोल देगा। दूसरा, आपके घर में एक बंदा बहुत ही ज्यादा सुस्त है, तो यूजली क्या होता है जब घर में मान लो 3-4 लोग हैं और एक बंदा काम कर रहा है तो एक आदमी ऐसा होगा जो काम को थोड़ा अवॉइड करेगा, वो कुछ और करना चाहेगा या उसका इंटरेस्ट नहीं होगा उस काम को करने में, तो वो लेजी वाली बात भी सेट हो जाएगी बिल्कुल आपके ऊपर। तीसरा, आपके घर में बाकी तो सब ठीक है, एक आदमी पढ़ने में ठीक नहीं है, ये भी आपको मिलेगा। कोई बच्चे अगर होंगे किसी के घर में, कोई ज्यादा पढ़ता हो कोई कम पढ़ता हो, खेलने में ज्यादा होगा। तो ये ऐसे कुछ 5-7-10 चीजें प्रोफेशन में जाने के लिए अगर आपने याद कर ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके जाते ही ठीक बैठ जाएंगे उस परिवार के ऊपर जिसके लिए आप एस्ट्रोलॉजी दे रहे हो। लेकिन वो सिर्फ उतने तक ही है, करेक्शन नहीं कर पाएगा। करेक्शन के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी वाकई आनी चाहिए, और अगर एस्ट्रोलॉजी अगर आनी चाहिए तो उसका सिद्धांत क्या है? पूरा प्योर मैथमेटिकल सिद्धांत है। जिसको मैथ कम आता है उसको एस्ट्रोलॉजी सीखने में और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, मैं आज ही बता रहा हूं। तो सूर्य के सिद्धांत पे, सूर्य की गति है, साइंटिस्ट भी मानते हैं गति है, सूर्य जो घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर, उसकी भी एक गति है, एक ऑर्बिट है और उसको नापा हुआ है, सब कुछ साइंटिफिक है। तो वैसे ही कुंडली बनाने के लिए भी सब कुछ साइंटिफिक, कंप्यूटर में वो फीड है इसलिए वो कुंडली बना देता है। और दूसरी गति होती है चंद्रमा की, तो चंद्रमा की मूवमेंट है, उपग्रह है हमें मालूम है, और उपग्रह है तो वो हम पे इम्पैक्ट कैसे डालता है वो भी फैक्चुअल है, वरना अगर चंद्रमा का इम्पैक्ट पृथ्वी पर नहीं पड़ता तो ज्वारभाटा नहीं आता। आप देखेंगे कि पूर्णिमा से समुद्र बहुत हैवी होता है और हमारा समुद्र कम होता है। सिंपल लॉजिक है ये, साइंटिफिक लॉजिक है। तो ये प्योर मैथमेटिकल साइंस है, लेकिन साइंस तभी है जब आप इसको पूरी तरह समझ के करते हो। लेकिन समझने के बाद भी हम क्यों नहीं कर पाते वो मैं अभी बताता हूं आपको इस वीडियो में, और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम अच्छे से टेक केयर क्यों नहीं कर पाते हैं। आगे चलते हैं। एस्ट्रोलॉजी में लगभग 12 घर होते हैं,
लगभग क्या है 12 ही घर होते हैं, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, करेक्ट। ये 12 घर में एक घर, एक हाउस जिसको बोलते हैं, वो आपको 70 चीज बताता है, 70। तो इंटू 12 840 चीजें तो आपके पास है। तो क्या 840 चीजें एक आदमी आपको 15 मिनट या 20 मिनट में बता सकता है? लेकिन हम जब जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ लें, जब भी आपके पास कोई भी आए वो परेशान होगा बेचारा, तो उसकी परेशानियां 4-5-6 हो सकती हैं, लेकिन आप एट ए टाइम सिर्फ एक ही परेशानी लें, वरना आप फोकस नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं, अगर वो परेशानी एक ही हाउस से जुड़ी हुई है मान लो, तो भी उस हाउस में 70 चीजें हैं, क्या आप बता पाएंगे 5 मिनट में? नहीं बता पाएंगे। तब हम क्या करने लगते हैं, वी आर एक्सपर्ट इंडियंस, तब हम तुक्का मारने लगते हैं। अगर वो सेट हो जाए तो ठीक है। तो कोई भी कुंडली इतनी जल्दी नहीं देखी जा सकती इतनी सारी चीजों में। यूजली आपके पास कोई आए तो उसके पहले आप कुंडली मंगाइए, उसके अध्ययन करिए और उसको फिर एक्यूरेट बताइए। आप देखेंगे कि आप जब पूरा उसका कैलकुलेशन करके बताएंगे तो पीपल विल लाइक यू। तो ये लर्नर लोग समझ जाएं इस बात को कि प्लीज ऐसा मत करें कि नहीं मैं तुक्का मारूंगा या मारूंगी और मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। और इसके लिए जो लंबा टाइम है, लॉन्ग टाइम जो हमें रिक्वायर्ड है, वो हमें लेना चाहिए, तभी हम उसको बता पाएंगे। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है, आगे चलते हैं इसको समझने के लिए कि किस सिद्धांत पर आधारित है। ये ज्यादातर आपके पास्ट जो किए हुए कर्म है, जिसको हम पैरासाइकोलॉजी में पैरा सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, उसके साथ अटैच होती है स्टोरेज। अब इसके रिजल्ट भी वैसे ही हैं, इसको क्योर करने के तरीके भी वैसे ही हैं। हमारे शास्त्र में 3 तरीके बताए हुए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही 3 है जिनके ऊपर पूरी भगवत गीता है, जिसके ऊपर भागवत है और जिसके ऊपर पुराण बेस्ड है। इन तीनों गुणों के अतिरिक्त कुछ है नहीं, भगवान कहते हैं गीता में कि कुछ नहीं है इसके अलावा, इन 3 गुणों में सारी दुनिया घूम जाती है। तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी 3 तरीके हैं। पहला तरीका जो आपको क्योर करने की कोशिश करता है वो सात्विक तरीका है। तो आपकी एक्सपर्टीज, आप किस एंगल पे जाना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं, वो आपका डिसीजन है। सात्विक तरीका मतलब आप पूजा पाठ बताएंगे, दान बताएंगे, तो ये सात्विक तरीका है। दूसरा क्या बताएंगे आप, नग्स, नग पहनिए, आप कुछ प्लांट के हिसाब से, उनके जो प्लांट के हमें पूजा करने की चीजें होती हैं वो पहनिए, उनको रखिए। तो ये जितनी चीजें नग के अंदर की कैटेगरी में आती हैं, ये सारी राशि। और तीसरा बच गया तामसी। तामसी आपको सारे जो लोग तंत्र विद्या से आपको क्योर करने की कोशिश करते हैं। अब ये तीनों चीजें जो लोग कर रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट 3 पार्ट्स हैं। तो आप कोई भी पार्ट सीखना चाहें उसमें स्पेशलिटी करें, रेदर देन कि सबके पीछे भागने की कोशिश करें। और आप अगर अच्छे से लोगों को बताना चाहते हैं, अगेन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, मैं कभी भी खुद कुंडली नहीं देखता हूं क्योंकि मेरे प्रोफेशन को मैंने डाइवर्ट किया हुआ है। वी डू इन ओनली साइकोलॉजी एंड पैरासाइकोलॉजी की चीजें करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स मेरे जरूर करते हैं। तो ये उन्हीं के लिए गाइडेंस है कि आप लोग ग्रुप बनाओ। हो सकता है एक आदमी सात्विक पे काम कर रहा हो, एक राशि पे काम कर रहा हो और कोई करना चाहे तो तामसी पे काम कर रहा हो, तो वो ग्रुप के हिसाब से लोगों को क्योर करने की कोशिश करें, क्योंकि सबके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस ये दोनों माइंड जब तक अटैच नहीं होंगे आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब ये फेल क्यों हो जाती है भाई? इसमें फेलियर होने के 2-4 चीजें हैं। आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, आपका बर्थ का टाइम ठीक नहीं है, बर्थ की डिग्रीज आपको ठीक नहीं मिल रही है, ये तो एक कॉमन बेसिक चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन फेल हो सकती है या आगे पीछे हो सकती है। लेकिन दूसरी जो पैरासाइकोलॉजी कहती है उसके हिसाब से फेल क्यों होती है,
एस्ट्रोलॉजी की जो कुंडली है, फिक्स कुंडली है, वो आपके पिछले जन्मों का कर्म है, उनके हिसाब से है, तो उसी को पैरा सबकॉन्शियस बोलते हैं। ये ऑलरेडी मैंने कॉन्शियस सबकॉन्शियस पैरा सबकॉन्शियस वॉल पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो। अब वो तो पैरा सबकॉन्शियस में आ गया, लेकिन भगवत गीता ये भी तो कहती है कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, तो कौन करेगा? वो आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड मिलकर करते हैं। और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस जब तक इससे अटैच नहीं होंगे, जो आप बताने जा रहे हैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपके रिजल्ट कभी भी पूरे इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगे, या वो इंप्लीमेंटेशन वीक हो जाएगा और आपको लगेगा कि ज्योतिष फेल हो रही है। तो ज्योतिष फेल नहीं हो रही है, आपको तरीका नहीं आता है, आप उसको करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस से मैं इसे जोड़ दूं। उतना ज्ञान नहीं है, या तो या ज्ञान है तो हमें वो विधि नहीं आती है। तो ज्ञान और विधि दोनों को आप सीख लें तो रिजल्ट ठीक होने शुरू हो जाएंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये समझ भी आ गया होगा पैरासाइकोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी कैसे जुड़ी हुई है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वी विल रिवर्ट यू। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।